मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम फाइनली अपना ही गला का इलाज करवाने जा रहे हैं पूरे 2 महीने बाद। तो आज हम घर वालों से छुप छुपा के इलाज करवाने जा रहे हैं। घर वाले बोला है प्राइवेट से दिखा देंगे, तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है। और मैं जा रही हूँ भागलपुर का सदर अस्पताल में दिखाने, जो कि पत्नी ने ब्लॉग देख के मेरा तो क्लास लगने वाला है। और देवा जी भी आएंगे तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। वहाँ जाने कौन बोला था आप लोगों को? हम लोग अपने मन से आज जा रहे हैं और मेरे इस क्राइम में मेरा साथ दे रही है साधना। मतलब अगर मुझे बात सुनना मिलेगा तो इसको मिलेगा, दोनों ज़्यादा होशियार बनती हो। पूल बन गया, नाला भर गया। भागलपुर में इतना बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा था रोड रास्ता में एकदम पानी भरा हुआ है। हाँ, हम लोग किस्मत अच्छा था कि घर के पास ही टोटो मिल गया था। इसको ऑटो भी बोल सकते हैं, ऑटो से नाम दे रही हो। ऑटो जो भी मिल गया, हम लोग कुछ करना नहीं पड़ा। क्या हो रहा है? हम लोग की भाई चलेंगे, क्या करना नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्ट पहुँच जाए। आया होगा यहाँ पाइप रखा होगा, बारिश का भर गया। दीवार का पेंटिंग बढ़ा। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ऑसम है यार, मस्त है। आते टाइम अगर होगा तो हम लोग गंगा जी भी जाएंगे दर्शन करने। हॉस्पिटल नहीं पहुँचे अभी, हम लोग को खुद नहीं पता है हॉस्पिटल किधर है, कैसे क्या होता है। पूछ पूछ के पहुँचना है हम लोगों को, मतलब कुछ नहीं पता है कहाँ से रास्ता है, कैसे वहाँ दिखाया जाता है। नहीं तो रूल रेगुलेशन पता करेंगे, ब्लॉग में भी बता देंगे किसी को, अगर आना बताएंगे कि कैसे जाना है। अभी घर से भी किसी से पूछ के नहीं आया ना। जवाहरलाल नेहरू यही है महाविद्यालय हॉस्पिटल भागलपुर, यही है यही है। एक बड़े ही अच्छे भैया थे, वो हम लोगों को बताएं कि ऐसे ऐसे करना है। इस वाले गलत गेट में आप लोग घुस गए हैं, आगे से एक गेट है, गेट है उसको राइट साइड, उसी में राइट साइड जाना है। और 5 रुपया फीस लगेगा प्रॉब्लम बताने के बाद। हाँ, हम लोगों के पास मास्क नहीं है तो सबसे पहले मास्क खरीदते हैं। हम लोग मास्क खरीदो, उठो मास्क खरीदो भैया, 2 मास्क देना। कितने का भाई जी? 2। साधना भला इंसान है भाई, एक मास्क इसके हाथ में गलती से आ गया, वो देने जा रही है साधना भी। ओ माय गॉड, नंबर लगाने के लिए कितना लंबा भीड़ है, देखते हैं। भूल गई थी, नहीं रे मैं पता इसे बताना, ओपीडी देखो नंबर लगाने का इतना लंबा लाइन है। ओ माय गॉड, इतना घंटा लाइन में लगने के बाद भी मेरे बस का नहीं था नंबर लगाना। वहाँ हम लोग वापस जा रहे हैं प्राइवेट में दिखाने के लिए, मेरे बस का मायागंज नहीं था। ओ माय गॉड, इतना भीड़ था, इतना दे रहा था कि मेरे 2-3 बार ऐसा हो जाता। हाँ, बहुत भयंकर वाला अंकल जी। और बताए देखो ना, उल्टी आने लग रहा था, मतलब पसीना पसीना बदबू आ रहा था, और मास्क में भी उल्टी आ रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं प्राइवेट में दिखाने, और वहाँ का जो नंबर लगवाता है अंकल वो इतना बदतमीज है, वो सबको हाथ दिखाता है, गाली जितना देवे करता है हाथ भी दिखाता है। उसको अच्छे से मजा चखाए हम, बढ़िया से सुना है, बहुत ही बदतमीज है। वहाँ पर सर्विस बहुत खराब है, अगर आप लोग में से कोई मेरा ब्लॉग देखोगे तो उसको जरूर समझाना। बोला औरत, उसको इतना बदतमीज नहीं है कि औरत से बात कैसे किया जाता है। पहले तो तुम तलाक करता है, उसके बाद में सुने तो उसको हाथ दिखाने लग जाता है वो। अभी तो हम सब एकदम
इतना परफेक्ट गुस्सा आया कि मतलब एक आध किसी को कोई चीज का जानकारी ना तो पूछ बस कैसे खंडर बैठ गया है, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। तो अगर आप मेरे को ब्लॉग देते तो इस बात का कंप्लेन करो कोई। आज हमारा लक खराब है, हम लोग यहाँ भी आए तो डॉक्टर एसपी सिंह के पास आए थे, वहाँ भी बंद है, डॉक्टर साहब नहीं है, ऑटो स्टेशन है। अब देखते हैं, अब हम लोग वापस घर जाएंगे, क्लिनिक ही बंद है, आप लोग कुछ देख सकते हो। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग आ गए एम बाज़ार, यहाँ भी डॉक्टर बंद था तो क्या कर सकते थे, तो हम लोग आ गए एम बाज़ार। अगर कुछ नहीं होगा तो आलतू फालतू भी खरीद के ले जाएंगे। कितने का कैसे है प्लेट? खाओ 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 ना एक कितना खाओगे दीदी? साधना का ड्रेस फट गया, वो गॉन। साधना का रोड क्रॉस करने में ड्रेस फट गया, बेचारे का ड्रेस दिखा दिखाते बैक कैमरा से। दिखाओ ड्रेस, दिखाओ देखो ना सही में फट गया, मुझे दिखा ड्रेस रिपेयर हो रहा है सेफ्टी बिन से। तो हम लोग डॉक्टर वगैरह से दिखा तो पाए नहीं, तो गोलगप्पे वगैरह खाए घूम फिर लिए, एंड अब हम लोग जा रहे हैं सबरगंज क्योंकि आज का ओपनिंग है। तो फिर अचानक से पतिदेव को कॉल आता है, बोलता है सुनो मैं बंकी कर रही हूँ, दिखाने गई हूँ, सुनो तो सबरंग घूमने गई हूँ। oh my God, आ गए हम लोग, कॉल हो गया है। मस्त लग रहा है ना ये वाला ड्रेस, हमको दिखा दो। वाओ झूमर की तो सुंदर है, ओ माय गॉड भीड़ कितना। चलो वाओ ब्लाउज अच्छा है, ब्लाउज कलेक्शन मस्त है। खादन तुम ले लो अपने लिए, अपना एक लहंगा लेवा दो मेरे को प्लीज। सेकेंड फ्लोर पे साड़ी और कुर्ती का कलेक्शन है, मस्त मस्त है। फर्स्ट फ्लोर पे था लेडीज वेयर। आप लोग यहाँ आके विजिट कर सकते हो, बहुत ही मस्त स्टोर है, और लहंगा वगैरह 2000 से स्टार्ट है, और 2000 से मतलब जितना हजार जा सकते हो आप, कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा है। सेल्फी ले रही है, डाक उठाओ, पता नहीं चल रहा है, सामने देखो जी, देख रहे हैं यार उधर देखो। चलो साधना आज बेटी के लिए शॉपिंग कर लेगी लग रहा है मेरे को, ले लो अच्छा लग रहा है उसको, आजकल पसंद आ रहा है ये सब। Yeah.
कौन सा लोगे? डक वाला तो उसके पास एक है ही, बैग है ना। हाँ हाँ, तो प्यारा लग रहा है, देखो टांग के देखो तो लंबा है। हाँ हाँ, मोबाइल घुसेगा आपका, मोबाइल देख लो पहले। बटरफ्लाई वाला देखो ना, बटरफ्लाई वाला बिटू का क्या? टांग लो ये टांगो। ये वाला फ्रॉक कितना सुंदर लग रहा है। से स्टार्ट है क्या चीज? सब कुछ चलो होगा। ओह माय गॉड, बढ़िया है ना, आप जैसे लोगों के लिए होगा। 365 का बेटू के लिए ले लो, बेटू के लिए ले लो। हाँ हाँ, प्यारा है। बस बेटिया देखे के बाद जिंदा रहने दो तो। देखो मन है तो ले लो, अपना मन मर्जी। देखो हम लोग जा रहे हैं सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे, मेंस वेयर है इसको, जिसमें मुझे हम लोग को इंटरेस्ट नहीं, बस थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए आ गए बस। 145। सॉरी यार गलत इन्फॉर्मेशन दे रही, सबसे लास्ट फ्लोर ये है, यहाँ पे है। ओ वाह, शूज वगैरह सब है। हाँ तो पिंक था उसका भी, क्या है हटो। डॉल दिखा, चलो रुको रुको। Thank you.
सबसे पहले हम नहाने वाले हैं, शावर लेंगे, हॉस्पिटल से आए हैं। कैसा लगता है? हॉस्पिटल में बहुत रश था, घर में छोटी बच्ची है उसी, फिर शावर लेंगे, उसको वीडियो बनाएंगे। पुट्टू को वाला पर्स आ गया है उसी का। तो फाइनली मैंने शावर ले लिया एंड थोड़ा मुझे बेटर सा फील हो रहा है। मतलब वहाँ जाने के बाद थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि हॉस्पिटल गए थे ना, इसलिए मैं वो सब रंग में भी मैं मास्क नहीं हटा रही थी। मुझे एकदम लग रहा था अजीब सा, चिपचिपा, मतलब चिक-चिक सा फील हो रहा था इसलिए। तो एंड अब मैं उसी को खाना वाना खिलाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करवाऊंगी। एक्चुअली मैं ये बता रहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी कि फाइनली मैं अपना गला का इलाज करवा लेंगे, बट पहले तो मैं सोची मायागंज जाऊंगी। मायागंज गए तो वहाँ पे भी हो नहीं पाया। एंड उसके बाद हम लोग गए, कहाँ गए थे ना, सॉरी, हम लोग प्राइवेट दिखाने गए हैं बाजार, और साधना को भी काट लिया एक कीड़ा, दर्द दे रहा है उसको बेचारी को। तो हम लोग वहाँ जब गए एम बाजार के पास, प्राइवेट डॉक्टर के पास जब हम लोग गए तो वहाँ ही प्राइवेट डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन था तो वो बंद था। फिर हम लोग गोलगप्पा वगैरह खा के घर वापस आने का प्लान कर रहे थे, इतने में मेरे पतिदेव को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम लोग वो मतलब वो कर रही हो, मतलब मजाक कर रही हो, तुम लोग घूमने गई हो और बोलते डॉक्टर के पास गए हैं। तो इतने मुझे याद आ गया अचानक, तुम लोग सबरंग का ओपनिंग है, तुम लोग जैसे बोला सबरंग आई और झूठ बोलती है दीदी, बोलती सबरंग चलो। तो ओ गॉड याद आ गया, बोले तो मुझे याद भी नहीं था, चलो चलते हैं। ऐसे में हम लोग सब रंग गए, अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाया, उतना प्रॉब्लम, मुझे थोड़ा सा अजीब एजिटेशन लग रहा था और चिपचिपा सा फील हो रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। तो मैंने जैसे तैसे ब्लॉग बना दिया है एंड एंड गए तो मतलब आए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत खरीदते हैं। तो आए उसी के लिए एक बैग ले लिए एंड एक वो डॉल वाला रिंग ले लिए जो कि बहुत ही सुंदर था। एंड आप लोग जाओ वहाँ पे, मतलब घूमो, बहुत ही अच्छा जगह है। मुझे एज अ नागरमल टाइप से लगा, लेकिन नागरमल में वनली कपड़ा है एंड यहाँ पे बहुत कुछ है, टैडी है, शूज है, फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़ वेयर है, सेकंड फ्लोर पे साड़ी एंड लहंगा है, क्लच पर्स वगैरह भी बहुत कुछ है, एंड थर्ड फ्लोर पे किड्स है, थोड़ा बहुत मेंस भी इसमें मिक्स है, एंड उसके ऊपर वाले में सिर्फ मेंस वेयर है एंड उसके ऊपर वाले ग्रूम है, मतलब दूल्हे के लिए सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है कलेक्शन एंड बहुत चीप एंड बेस्ट में भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। मतलब 200 से स्टार्टिंग था टी शर्ट वगैरह, लहंगा वगैरह भी 2000 से जितना आगे जा सकते हो आप लोग, मतलब अफोर्डेबल रेंज में बहुत कुछ है अच्छा अच्छा। तो आप लोग जाओ वहाँ विजिट करो, बहुत ही अच्छा है, मस्त, मुझे तो अच्छा लगा। एंड कमेंट करना आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा एंड बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ।